दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट मोगो, जहां आपको मिलता है ऑल टाइप कॉर्पोरेट प्रिंटिंग सॉल्यूशन लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे की सबसे ताजा खबर अगस्टा वेस्टलैंड मामले से आ रही है, जहां अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार बिचौलिए क्रिश्चियन जेम्स मिशेल का इटली की फिन मैकेनिका कंपनी के सीईओ गुगेसी ओरेसी को लिखा गया एक सनसनीखेज पत्र सामने आया है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनाया गया था। मिड डे की अगली ताजा खबर रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले को लेकर आ रही है, जहां शिकोहपुर जमीन घोटाले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एवं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वर्तमान प्रदेश सरकार ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच की अनुमति दे दी है, जिससे इन सभी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और मिड डे की अगली ताजा खबर बाबा रामदेव मामले को लेकर आ रही है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की दिव्य फार्मेसी कंपनी को तगड़ा झटका देते हुए उनकी ओर से उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि बोर्ड ने जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत कंपनी को होने वाले न्यायोचित लाभ का कुछ अंश किसानों के हित में अदा करने को कहा था। और मिड डे की अगली ताजा खबर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लेकर आ रही है, जहां राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामे से परेशान सभापति वेंकैया नायडू, उन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर गगनयान मिशन को लेकर आ रही है, जहां 2022 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले देश के पहले मानव मिशन की कमान इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक वीआर ललितम्बा के हाथों में होगी, जिनको इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर अपना दल से आ रही है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल से केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 9 लोकसभा सीटों पर दावेदारी पेश की है। और मिड डे की अगली ताजा खबर पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर आ रही है, जहां यूपी में भाजपा के सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने भाजपा पर महाराजा सुहेल देव के नाम से छेड़छाड़ कर उनका अपमान करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का बहिष्कार किया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनने वाली फिल्म को लेकर आ रही है, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बाद अब वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी पर बायोपिक बनने जा रही है, और इस फिल्म में अभिनेता विवेक ओबेरॉय पीएम मोदी की भूमिका में होंगे। माना जा रहा है कि नए साल में इस फिल्म को लेकर काम शुरू हो जाएगा। और मिड डे की अगली ताजा खबर सर्वोच्च न्यायालय से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पीएनबी कर्ज फर्जीवाड़े मामले में केंद्र की जांच में दखल देने या निगरानी रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, और हाई कोर्ट के इस फैसले को केंद्र की बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में एडवोकेट विनीत ढांडा ने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। और मिड डे की अगली ताजा खबर आम आदमी पार्टी से आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद भगवंत मान ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा, पंजाब में पार्टी अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इस दौरान किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। और मिड डे की अगली ताजा खबर सोहराबुद्दीन मामले को लेकर आ रही है, जहां गैंगस्टर सोहराबुद्दीन, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके सहयोगी तुलसी प्रजापति की कथित झूठे एनकाउंटरों के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच राजनीतिक नेताओं को फंसाने के लिए पूर्व कल्पित और पूर्व निर्धारित थ्योरी पर आधारित थी। देखिए अगली ताजा खबर रालोसपा से आ रही है, जहां राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने रालोसपा को तगड़ा झटका देते हुए नीतीश कुमार की जेडीयू का दामन थाम लिया है, जिससे लोकसभा चुनाव से रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा को तगड़ा झटका लगा है। और मिड डे की अगली ताजा खबर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर पश्चिम बंगाल के डेटा को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार से बंगाल से जुड़े डेटा शेयर करना बंद कर दें। और मिड डे की अगली ताजा खबर बीएसएनएल से आ रही है, जहां बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को नए साल के लिए सौगात देते हुए ब्लैकआउट डेज को खत्म करने का ऐलान किया है, जिससे अब बीएसएनएल ग्राहकों को बड़े त्योहारों या मौके पर कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। और मिड डे की अगली ताजा खबर अभिनेता अनुपम खेर को लेकर आ रही है, जहां बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने अपनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर मचे घमासान के बीच इसको लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग गांधी परिवार और मनमोहन सिंह की छवि को इस फिल्म के जरिए खराब करने के आरोप लगा रहे हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उनसे प्यार करने लगेंगे और मनमोहन सिंह हमें चाय पर बुलाएंगे।
और मिडडे की अगली ताजा खबर सीताराम येचुरी को लेकर आ रही है, जहां सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने तीन तलाक और सबरीमाला के मुद्दे पर बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाते हुए आरोप लगाया है कि मुस्लिम महिलाओं की आजादी की वकालत करने वाली बीजेपी की महिलाओं के प्रति चिंता सबरीमाला मामले में कहां गायब हो गई। और मिडडे की अगली ताजा खबर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को लेकर आ रही है, जहां यूपी की भीम आर्मी के संस्थापक प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को मुंबई पुलिस द्वारा दिनभर नजरबंद रखने और फिर गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है, जिससे राज्य में एक बार फिर से जातीय तनाव बढ़ने लगा है। हालांकि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। और मिडडे की अगली ताजा खबर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आ रही है, जहां पाकिस्तान से विजिटर वीजा पर भारत आए 31 पाकिस्तानी नागरिक देश से लापता हो गए हैं और उनका कुछ अता पता नहीं है, जिससे खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है और उनकी तलाश जारी है। और मिडडे की अगली ताजा खबर डीएमके विधायक राजकुमार को लेकर आ रही है, जहां चेन्नई स्पेशल कोर्ट ने वर्ष 2012 के दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के पूर्व डीएमके विधायक राजकुमार को 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। और मिडडे की अगली ताजा खबर सिक्किम से आ रही है, जहां सिक्किम में भीषण बर्फबारी के कारण फंसे हजारों सैलानियों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाते हुए आर्मी ने करीब 2,500 लोगों को रेस्क्यू किया है और फिलहाल सभी को मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो ये थी मिडडे न्यूज की कुछ ताजा खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके ऐसी ही खबरों से अपडेट।